हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग आए हैं एक नई लोकेशन पे, नाम यही मशहूर है इनका, अंडे वाले अंकल। तो उनसे मिलते हैं, आपको दिखाते हैं और बाकी जो लोग खा रहे हैं उनका भी रिव्यू लेते हैं। फ्रेंड्स, ये काट है अंकल अंडे वाले, बहुत ग्लिटरी सा सेटअप है पूरा। अंकल ने लाइटें वाइटें बहुत अच्छी लगा रखी है। सत श्री अकाल अंकल जी, आपका नाम अंकल? नाम जो लोग जानते हैं वो तो अंकल अंडे वाला जी। हाँ जी, वैसे गगन कुमार अरोड़ा नाम है। और आपकी जर्नी मैंने बड़ी सुनी है, मैंने कहा अंकल से पूछता हूँ कैसे स्टार्ट किया, कैसे हुआ। बस ये स्ट्रगल है लाइफ में, वो करते करते स्टार्ट किया। और कितना टाइम हो गया आपको ये लगाए? 2017 में। यही लोकेशन थी कि कहीं और थी पहले? लोकेशन मेरी 3-4 चेंज हो चुकी है। अच्छा, 3-4 चेंज हो चुकी है। यही सिखाया था। अच्छा, आपकी लोकेशन ज्यादा चेंज हो, लेकिन आप मिली जाते हो, आपका नाम इतना यूनिक है कि ढूंढ ही लेते हैं लोग। आप लोगों ने आशीर्वाद दिया। और ये जो है ये कितना टाइम से लोकेशन ये वाली? ये सितंबर में आए हो? सितंबर में यहाँ पे आए हो? और अब यही रहेगी? अब यही रहेगी, जाएगा तो चेंज नहीं करेगी। नहीं, बढ़िया लोकेशन है। तो फेमस है हांडी वाला ऑमलेट है, कितना टाइम हो गया उसको स्टार्ट किए हुए? हांडी वाले ऑमलेट को स्टार्टिंग से है कि अभी बीच में रिसेंटली? हांडी वाला ऑमलेट तो सबसे ज्यादा लोग लाइक वही करते हैं। सबसे ज्यादा प्यार उसको मिला, सबसे ज्यादा प्यार उसको मिला है। यानी आप कह सकते हो कि फाउंडर हमारे हांडी ऑमलेट के, आज फाउंडर आप ही हो। वर्ल्ड में कॉपी हो। पहले क्या डाला है? ये दो अंडे की चीज ऑमलेट। फ्रेंड्स, ये निकल रही है हांडी, जो अंकल का सबसे स्पेशल है हांडी ऑमलेट। कितने का है पूरा हांडी ऑमलेट? ये 4 किस्म का है, ये 280 का है। अच्छा, ये 280 का है। ये मक्खन डालने का एक यूनिक तरीका है, पूरा ऐसा फंसा लिया आराम से, जितना रिक्वायर्ड है उतना डालो। अभी क्या डाला है आपने? टमाटर प्याज का मसाला है। टमाटर प्याज का मसाला। अच्छा, ये भी डलेगा? फिर से मक्खन? हर लेयरिंग में मक्खन डलेगा। दो अंडे का डाल चुके हो बना के ऑमलेट, अभी दो अंडे का वो डाल रहे हो? हाँ, फ्राई जाएगा। हाँ, फ्राई रहेगा ये। 280 का बताया आपने पूरा ना, इसमें 4 एग यूज होते हैं। हाँ। दो पहले नीचे गए, उसके बाद मसाला, उसके बाद अभी ये हाफ फ्राई। फ्रेंड, देखने में बहुत टेम्पटिंग लग रहा है। आप लोग अगर वेज डेली रहते हैं या कभी आते हैं तो जरूर ट्राई करिएगा। अब इसके ऊपर क्या करेंगे? ब्रेड सेकेंगे। ब्रेड सेकेंगे। अच्छा, इसके ऊपर ब्रेड भी डलेगा? नहीं, अलग से मिलेगा। अच्छा, अलग से मिलेगा खाने के लिए। ये आप डाल रहे हो चीज? हाँ, ग्रेट चीज ग्रेट करके। फ्रेंड्स, ये स्पेशल ट्रीटमेंट दी जाती है चीज को बेक करने के लिए, उसको मेल्ट करने के लिए पूरा। ये देखिए, ये आप बटर डालेगा, ये मेल्ट करके बटर डाल रहा है इसके ऊपर, चीज के ऊपर। और अब इसको अच्छी तरह से रोस्ट करेंगे। बहुत टेम्पटिंग लग रहा है देखने में बिल्कुल। ये कौन सा मसाला है? काला मसाला है? काला मसाला, काला मसाला, चिली फ्लेक्स, धनिया, और धनिया, नींबू, और ये 4 स्लाइस के साथ सर्व होगा। फ्रेंड्स, रेडी हो गया है हांडी ऑमलेट, इसकी कॉस्ट है 280। क्या ऑर्डर किया है? कुलचा ऑमलेट विद सलामी। कुलचा ऑमलेट विद सलामी, तो यही ऑर्डर करते हो हमेशा? कितना टाइम हो गया आते हुए? 1.5 साल। तो टेस्ट के बारे में क्या बोलोगे? टेस्ट तो एक नंबर है सलामी, एक नंबर है। फ्रेंड्स, एक और आइटम बन रहा है, कुलचा ऑमलेट विद सलामी, ये भी आपको दिखाते हैं। ये बटर लगाने का तरीका इनका नायाब है। ये करके दो ऑमलेट, दो अंडे का ऑमलेट है, 4 अंडे के लिए 2 ऑमलेट है। कुलचा चीज है, एक कुलचा चीज सलामी है। कुलचा अंदर डल गया इसके। अच्छा, आपने अंडा लगा दिया इसके ऊपर। चिकन सलामी? चिकन सलामी है। हाँ जी। चीज कितने स्लाइस डलते हैं? दो स्लाइस। फ्रेंड्स, ये 2 प्लेट रेडी हो रहा है, कुलचा ऑमलेट विद सलामी और कुलचा ऑमलेट विदाउट सलामी। ये सलामी है, ये सलामी वाला है। हाँ। ये अंडा कंपनी का अंडा, अंडा कंपनी का अंडा, सारे यहीं से आते हैं अंडे आपके? हाँ। ब्रांडेड अंडे होते हैं सारे के सारे, वही मैं देख रहा हूँ स्टैंप लगी हुई है। ये एगोस कंपनी का। अच्छा, हाँ जी, न्यूट्रिशन एग होता है। अच्छा, न्यूट्रिशन एग होता है, वही मैं देख रहा हूँ स्टैंप लगी हुई है सब में। पच्चीस अंडों की आती है और एक्सपेंसिव भी होगी, 13-14 रुपए। तो आप यही यूज करते हो ताकि कस्टमर को टेस्ट भी बढ़िया लगे, क्वालिटी भी अच्छा मिले, ये सबसे बड़ी बात है। जब आप क्वालिटी दे रहे हो तो फिर रेट तो उस हिसाब से होंगी। वही बात है, ब्रांडेड एग मिल रहे हैं खाने को, लोग टेस्ट भी आप कह रहे हो डिफरेंट है, स्मेल नहीं है, सबसे बड़ी स्मेल नहीं आती है। अंकल, ये हांडी वाला जो अंडे का है वो कंसेप्ट कैसे आया? डिफरेंट ही है। अच्छा, ये आपने बनाई सबसे पहले? वो बुखर जो आए थे उनके लिए बनाई थी सबसे पहले अंडी, तो वो कैसे लगी थी? उन्होंने कहा था बाकी सारे ऑमलेट फेल हो गए थे पहले वाले,
सारे ऑमलेट फेल हांडी के सामने। उसके बाद चल पड़ा फिर ये हांडी का। तुम कौन सी देते हैं अंकल? एक तो हरी चटनी और एक मेयोनीज है ये, मेयोनीज और ये रेड वाली। ये जो आप देते हो सर्व करते हो सॉसेज, ये सारी अपनी है? हाँ जी सारी ओपन। मेयोनीज और रेड वाली और गरी चटनी, जितनी भी चटनी है और ये हमारे मसाले हैं खुद अपने आप। अच्छा ये सारे अपने हैं। चटनी वगैरह आप खुद बनाते हो सारी? लाल वाली, हरी वाली और मस्टर्ड में होती है। अच्छा जो उसमें मस्टर्ड जाता है वो भी हम खुद ग्राइंड करते हैं। खुद ग्राइंड करते हैं, सारी होममेड है चटनी। टाइमिंग ये गर्मी में 5 बजे, गर्मी में 4 बजे, सर्दी में 5 बजे। रात को? रात को 11:30 बजे तक कस्टमर जितनी 12 बजे आते रहेंगे तो चलता रहेगा। मैंने ऑमलेट विद ब्राउन ब्रेड, नॉर्मल सिंपल वाला। तो ये आसपास विकासपुरी रहते हो आप? नहीं। कहाँ से आए हो? जनकपुरी से। अच्छा मटकी वाला जो हांडी वाला है तो कैसा था? अकेले खाया आपने सारा कि साथ कोई था? अच्छा वाइफ के साथ। तो कैसा लगा उनको? कैसा लगा? टेस्ट को क्या दोगे रेटिंग 10 में से? 5 out of 5 दोगे, मतलब टेस्ट टॉप क्लास है। आपका नाम? सुनीता अरोड़ा। सुनीता, सुनीता अरोड़ा, आप क्या खा रहे हो, क्या ऑर्डर किया है? मैं बॉयल्ड एग इनके खाती हूं शुरू से। अच्छा शुरू से। बॉयल्ड एग में वो है ना टेस्ट वो कहीं पे भी नहीं मिलता। अच्छा नहीं मिलता। एक्चुअली पहले ये ब्लॉग में था, उसको ब्लॉग में तो इनका हमें बंद हो गया, हमें पता ही नहीं लगा ये कहां चले गए। अब हमें दोबारा मैंने इनको ढूंढा है यहां पे। अच्छा तो मतलब आपको बॉयल्ड एग इनके काफी पसंद है? अच्छा पिज्जा ऑमलेट वो बहुत अच्छा था, वो भी खाया था। चार पांच फ्रेंड्स ने इकट्ठे खाए, एक ही ऑमलेट में सारा का पेट भर गया। ऑमलेट की इनकी सारी वैरायटी मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो एक हांडी में चारों का हो जाएगा? हाँ जी हाँ जी, पहले एक बार ट्राई करते हैं। भाई नहीं लाए हम लास्ट। अच्छा ये लाए हैं आपको? आप नहीं, हम इनको लाए हैं। अच्छा आप लाए हो? आए थे हम दोनों, फर्स्ट टाइम आए। अच्छा आप और ये, आप दोनों फर्स्ट टाइम आए हो? बहुत बढ़िया लगी थी तभी इन दोनों को लाए। तो कितना टाइम हो गया आपको खाते हुए यहाँ पे? हम ऑलमोस्ट आ जाते हैं हर मंथ के एंड में आते हैं। आते हो खाने के लिए? मंथ में 2 बार आ जाते हैं। मंथ में 2 बार आते हैं। फ्रेंड से कुछ हम लोगों को मिले हैं आके, अंकल अंडे वाले के दीवाने, तो ये पहली बार खा रहे हैं, इनके साथ दो फ्रेंड आए हैं उनके, हांडी ऑमलेट। तो पूछते हैं इनसे कैसा लगा इनको। बढ़िया है? और आपको? बढ़िया है, टेस्ट अच्छा है। जनरली बताना। जनरली है। बढ़िया लगा। स्पेशल रोहिणी से आए हम यहाँ, और घर के लिए भी हांडी पैक करवाई हमने। घर के लिए भी हांडी पैक करा के लेके जाओगे? चल ये आप क्या बना रहे हो अब? चिकन कबाब हांडी। चिकन कबाब हांडी। हाय फ्रेंड्स, आई होप आपको व्लॉग देख के मजा आया होगा। और डिफरेंट वैरायटी के अंडे थे, अंकल जी से भी बात हुई, अंकल अंडे वाले से भी, और बाकी लोगों ने बहुत तारीफ करी है टेस्ट की भी और स्टाइल की भी, जो डिफरेंट स्टाइल का अंडा अंकल सर्व कर रहे हैं बना के हांडी वाला। बाकी आपको मैंने दिखाया भी किस तरह से बन रहा है, तो आप भी आके ट्राई कर सकते हैं। अगर आप वेस्ट दिल्ली में रहते हैं तो ये विकासपुरी में स्पॉट है और नेट पे आपको लोकेशन में मिल जाएगी। बाकी बने रहिएगा हमारे ब्लॉग्स पे, नए नए बढ़िया बढ़िया ब्लॉग्स आते रहेंगे ऐसे डिफरेंट टाइप की वैरायटी के। तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।